हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बिहार और यूपी का बहुत ही फेमस मटन स्टू, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार मटन स्टू जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन स्टू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg मटन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे मैंने 1/2 kg प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। हम जितना मटन लेंगे उतना ही हमें प्याज लेना है इस रेसिपी में। और यहाँ पे मैं इसे बनाने के लिए एक मिट्टी का बर्तन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप इसकी जगह पे हांडी या कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस मिट्टी के तावा को गर्म होने देंगे। देखिए तावा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 टुकड़ा दालचीनी, 1 टुकड़ा जावित्री, 2 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 8-10 साबुत काली मिर्च, थोड़ा सा साबुत जीरा, 5-6 सूखी लाल मिर्च और 3 तेजपत्ता लिया है। अब हम खड़े मसाले को मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई होने देंगे। देखिए खड़े मसाले हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम मटन को ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मटन को सबसे पहले हाई फ्लेम में ढक के 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि मटन का जो पानी वो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए मटन को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुका है और इधर मटन ने भी अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे हम फिर से ढक के लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि मटन से तेल ना अलग हो जाए। देखिए मटन से तेल अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से ढक के लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुका है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज को ऐड कर लेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक के लो फ्लेम में फ्राई करेंगे, जब तक कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। हमें बीच बीच में एक एक बार इसे मिक्स करते रहना है, जिससे कि मटन और प्याज नीचे से जलेगा नहीं। देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मीट मसाला, मीट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को ढक के लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि मसाला से तेल ना अलग हो जाए।
देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सर के जार में डाल के पीस लिया था, आप चाहें तो टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से ढक के लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि टमाटर मसालों के साथ अच्छे से फ्राई ना हो जाए। देखिए यहाँ पे तेल अलग हो चुका है, यानी कि टमाटर भी मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है और हमारा जो मटन है वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन स्टू को इसी तरह से एकदम धीरे धीरे धीमी आंच में पकाया जाता है और इसमें पानी डालने का भी जरूरत नहीं होता है और मटन अच्छे से पक जाता है। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मटन स्टू बन के रेडी हो चुका है। अब इसे आप थोड़ी देर ढक के रख दें, उसके बाद देखिएगा इसमें क्या कलर आएगा। देखिए इसे मैंने थोड़ी देर इसी तरह से ढक के रख दिया था, देखिए इसमें क्या कलर आया है। आपको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अब मैं आपको गर्मा गर्म मटन स्टू को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया मटन स्टू बन के रेडी हो चुका है और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितना टेस्टी बना है। और यकीन मानिए दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतने ज़्यादा खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप भी इस तरीके से एक बार बिहार यूपी का मटन स्टू जरूर ट्राई करके देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरीके से मटन स्टू बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे जरूर बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।